नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। हम हमेशा कहते हैं, खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। और हुआ भी वही, मुलायम ने जो चाहा। आजम नाराज हों अपनी बला से, लेकिन न तो वे अमर सिंह की एंट्री रोक पाए, न ही समाजवादी कुनबे में अपराधियों और बाहुबलियों का इस्तकबाल। सड़क पर चाचा भतीजे का झगड़ा एक ड्रामा था, आज उसका भी पटाक्षेप हो गया। लेकिन नीली शर्ट में आजम ने आज सपा को डूबता जहाज बताकर सबको हैरत में डाल दिया। यूं सियासत में आज बहुत कुछ चौंकाने वाला हुआ। बीजेपी सांसद उदित राज ने बीफ डाइट की खूबियां गिनाई, तो केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने मिनी स्कर्ट को तमाम बुराइयों की जड़ बताया। हालांकि छिछालेदार की सफाई भी आई, मगर जैन मुनि विवाद पर केजरीवाल सफाई से भी बच नहीं पाए। गुजरात में जैनियों की तादाद देखकर केजरीवाल ने अब दिल्ली विधानसभा में जैन मुनि को बुलाने का मन बना लिया है। बिहार के छपरा में मौत के मिड डे मामले में आज प्रिंसिपल को सजा हुई, तो बेटी की हत्या करने वाले नुपुर तलवार को 3 हफ्ते की पैरोल मिल गई है। मानव संसाधन मंत्रालय से कपड़ा मंत्रालय पहुंची स्मृति ईरानी की, मानो विवाद उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। आज ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करने वाली खबरों में मंत्री जी की 8 लाख रुपए की साड़ियां खरीदने का मामला तूल पकड़ता नजर आया। पिछले एक सप्ताह से ये खबर आ रही थी कि मंत्री जी ने खुद के लिए खरीदी गई साड़ियों का बिल मंत्रालय की सचिव रश्मि वर्मा को भेज दिया है। मंत्रालय ने इसे निजी खरीद बताकर भुगतान करने से मना कर दिया था। उसी वक्त से ये बात भी सामने आई थी कि मंत्री जी की सेक्रेटरी से जंग चल रही है। ये सब कुछ खबरों में था। सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री के डायरेक्टर ने अधिकृत बयान देकर इन खबरों का खंडन किया है कि उनके यहां से ऐसी कोई खरीदारी नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया को कौन समझाए। धरती की जन्नत जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर आज 52 दिनों के बाद कर्फ्यू की कैद से मुक्त हुई, लेकिन इसी मसले पर पाकिस्तान की पैंतरेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। अपने घर में बलूचिस्तानियों को गुलाम बनाने वाला पाकिस्तान भारत से कश्मीरियों की आजादी की मांग कर रहा है, तो चीन ने एक बार फिर ग्वादर पोच मामले में भारत को गीदड़ धमकी दे डाली है। खबरें देश में और भी है, बताएंगे आपको कि देश की कौन सी मंत्री आज ट्विटर पर सबसे ज्यादा चर्चा में रही और किस किस तरह के उन पर लगे आरोप। लेकिन शुरुआत इस वक्त अगर करते हैं तो आज की उस बड़ी खबर से जो उत्तर प्रदेश की सियासत को आगे बढ़ा रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कुनबे में उजागर हुई कलह दिखावटी दिख रही थी, क्योंकि पार्टी में मुलायम ने जो भी चाहा वो होकर ही रहा। चाहे अमर सिंह की वापसी हो या फिर कौमी एकता दल से सियासी सांठगांठ, यही वजह है कि आजम खान ने नीली कमीज पहनकर सपा को डूबता जहाज बताया है। चाचा शिवपाल से अखिलेश की तूतू मैमे के बाद मुलायम के दखल से आखिरकार यादव परिवार का झगड़ा खत्म हो गया है। बंद कमरे में बेटे अखिलेश, भाई शिवपाल और चचेरे भाई रामगोपाल यादव के साथ 2 घंटे तक गुफ्तगू के बाद संदेश ये दिया गया कि समाजवादी पार्टी में ऑल इज वेल। लेकिन क्या सचमुच मुलायम के घर में कोई झगड़ा था या फिर ये सब दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि अंत में हुआ वही जो खुद मुलायम चाहते थे। न बेटे अखिलेश की चली, न भाई शिवपाल की और न ही चचेरे भाई रामगोपाल की। और आज कौमी एकता दल के विलय पर भी वही हुआ जो नेताजी चाहते थे, और इतिहास में इसका गवाह है। सपा में कभी भी वो नहीं हुआ जो मुलायम ने नहीं चाहा। आजम खान की नाराजगी के बावजूद अमर सिंह की वापसी हुई और अब अंसारी बंधुओं की। दरअसल मुलायम सिंह यादव खुले तौर पर कांग्रेस के वंशवादी शासन के खिलाफ रहे हैं, लेकिन राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को सबसे ज्यादा बढ़ाया और पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया। आइए एक नजर डालते हैं मुलायम के परिवारवाद पर। मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और आजमगढ़ से लोकसभा से सांसद। बेटे अखिलेश यादव यूपी के सीएम हैं। चचेरे भाई रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के महासचिव, राज्यसभा के सांसद भी। मुलायम की बहू और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से लोकसभा की सांसद। मुलायम के सगे छोटे भाई शिवपाल यादव यूपी सरकार में सिंचाई, सहकारिता और दूसरे विभागों के मंत्री, साथ ही समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता थी। मुलायम के भतीजे और रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद के सांसद, जबकि मुलायम के सगे भाई अभय राम यादव के बेटे धर्मेंद्र यादव बदायूं से लोकसभा के सांसद, और पोता यानी मुलायम के भतीजे का बेटा तेज प्रताप यादव
मैनपुरी के सांसद। तेज प्रताप की शादी लालू यादव की बेटी से हुई है। मुलायम के सगे छोटे भाई राजपाल यादव के बड़े बेटे अंशुल यादव पिछले ही साल इटावा से जिला पंचायत के अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि मुलायम के सगे भाई अभय राम की बेटी और सांसद धर्मेंद्र की बड़ी बहन संध्या यादव इस बार मैनपुरी जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी है। और सांसद तेज प्रताप की माँ मृदुला यादव सैफई की ब्लॉक प्रमुख है। मुलायम की भाभी प्रेमलता यादव इटावा से जिला पंचायत की सदस्य है। मुलायम की दूसरी भाभी सरला यादव जिला सहकारी बैंक की निदेशक है। भतीजा अनुराग यादव समाजवादी पार्टी की युवा इकाई के महासचिव हैं और अब विधानसभा का टिकट चाहते हैं। दूसरा भतीजा और शिवपाल के बेटे आदित्य की हाल ही में शादी हुई है। वे प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुलायम ने अपने छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया है। यानी 2017 में उन्हें भी विधायक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में समाजवादियों की बुरी हार हुई थी। पार्टी को जो 5 सीट मिली उनमें भी 2 पर खुद मुलायम और बाकी 3 पर उनके परिवार के लोग ही जीते थे। जाहिर है परिवार तो जीत गया लेकिन पार्टी हार गई। देश में जो हाल अब तक गांधी परिवार का रहा, उत्तर प्रदेश में अब मुलायम परिवार का हो चला है। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में लालू परिवार का और पंजाब में बादल परिवार का। तमिलनाडु में भी करुणानिधि परिवार का भी वैसा ही हाल रहता अगर जयललिता ने 3 दशक पुराना रिकॉर्ड नहीं तोड़ा होता। यानी पिछले दिनों से चल रहे तमाम विवादों पर विराम लगाएं तो कहानी ये कि समाजवादी पार्टी यानी जो नेताजी कहे। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। यानी नेताजी जो कहे वही सब कुछ। तो जो कुछ दिख रहा था वो एक तरह से परसेप्शन बनाना है, चुनावों के बीच जनता के बीच जाना है, जनता को सब कुछ बताना है कि किस तरह से सरकार विकास के काम कर रही है, अखिलेश विकास का चेहरा है और मुलायम जी सबको साथ लेकर चलने का दूसरा नाम। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों की अर्थव्यवस्था का चूल्हा चौका सैलानियों के डॉलर, यूरो और पौंड से चलता है। दुनिया के कई देश आतंकवाद की गिरफ्त है, इसलिए वहां के पर्यटक भी भारत को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं। टूरिज्म का कारोबार खुले दिमाग और खुली सोच के बूते चलता है, लेकिन हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हर सैलानी को संकीर्णता का लिबास पहनाने पर आमादा है। उन्होंने विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए ड्रेस कोड तक तय करने की सोची है। तीसरा मैं बता दूं कि पर्यटकों को जब वो एयरपोर्ट पर आते हैं उनको एक वेलकम किट दी जा रही है, एक कार्ड है उसमें कि जिसमें डूज एंड डोंट्स क्या करें और क्या ना करें, जैसे छोटी छोटी बातें। हमने बताया कि भाई आप छोटी जगहों पर रात रात के टाइम अकेले ना निकले, स्कर्ट्स पे ना पहने। कि मैं किसी के पहनावे पर, मैं पुनः इस बात को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैंने किसी के पहनावे पर ये नहीं कहा। धार्मिक स्थलों में जाने के लिए जब ये प्रश्न पूछा गया तो उसके विषय में मैंने कहा कि गुरुद्वारे में जाते हैं तो आप सर पर कपड़ा रखते हैं, मंदिर में जूता उतारते हैं, मैंने इससे अधिक नहीं कहा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा पलटी तो मार गए, लेकिन दोनों के बयानों के बीच का फासला इनक्रेडिबल इंडिया की सोच और तैयारी की धज्जियां उड़ा गया। कहने को इनक्रेडिबल इंडिया कहता है पधारो म्हारे देश, पर ध्यान रखो जैसा देश वैसा भेष। यानी ताजमहल को 21वीं सदी की आंखों से नहीं मुगल कालीन सोच के साथ देखो। कुतुब मीनार जाओ तो शरीर पूरा ढका होना चाहिए वरना जिम्मेदारी आपकी होगी। तो क्या हम ये चाहते हैं कि अमेरिका से आई कोई महिला मंदिर में साड़ी पहने और विलायत से आई अंग्रेजन अजमेर में बुर्का। ये इनक्रेडिबल इंडिया का वो विज्ञापन है जो पूरी दुनिया में दिखाकर भारत सरकार सैलानियों को न्योता दे रही है। विज्ञापन खुली सोच का रिफ्लेक्शन है, लेकिन मंत्री जी सूरज ढलते ही घर में बंद रहने की सलाह दे रहे हैं। यू फर्स्ट टाइम इन इंडिया? टेररिज्म डिवाइड्स एंड टूरिज्म यूनाइट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो फॉर्मूला है जिससे वो देश की भौगोलिक विरासत को जीडीपी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा के बयान से तो यही लगता है कि वो पर्यटन मंत्री कम और संस्कृति मंत्री ज्यादा है। वैसे महेश शर्मा पेशे से बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन कहा जाता है कि स्मृति ईरानी के बाद वो नंबर 2 के सबसे विवादित मंत्री हैं। आपको याद होगा
रक्षाबंधन के दिन उनके कमांडोज ने कैसे गाजियाबाद में गुंडे मवालियों की तरह सिक्योरिटी गार्ड की धुनाई कर दी थी। दादरी के अखलाक हत्याकांड को मंत्री जी छोटी मोटी घटना बता चुके हैं। लड़के लड़कियों के साथ घूमने को भी वो संस्कृति के खिलाफ बता चुके हैं। इस तरह का बयान आना टूरिज्म मिनिस्टर का कि आप स्कर्ट न पहने, आप महिलाओं के कपड़ों पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, और खास करके जो फॉरेनर्स हैं उनका तो ड्रेस कोड ड्रेस ही यही है, आप कैसे उनको क्या साड़ी पहनाएंगे, क्या उनको साड़ी पहना के गांव में भेजेंगे। ये तो ये सरासर बहुत ही अपने आप में एक हंसी वाली बात है, मजाक की बात है, और मैं समझती हूँ इस तरह की बात वो पढ़े लिखे इंसान है उनके मुँह से ही बातें अच्छी नहीं लगती। ये इत्तेफाक की बात है कि इन दिनों दुनिया में टूरिज्म की राजधानी फ्रांस में बुर्किनी पहनने को लेकर जंग छिड़ी हुई है। ये बात और है कि वहाँ चिंता आतंकवाद को लेकर है, संस्कृति को लेकर नहीं। दुनिया ग्लोबल गांव में बदल रही है, प्रधानमंत्री का भी सपना है, लेकिन टूरिस्ट को सुरक्षा देने के बजाय हमारी सरकारें बुकलेट थमा रही हैं। अगर ये आज का इंडिया है तो सचमुच इनक्रेडिबल इंडिया है। इस सवाल के साथ ही जुड़ा है भारत के पर्यटन का व्यापार। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो महेश शर्मा के साथ साथ दूसरे कौन से मंत्री विवाद में हैं, स्मृति ईरानी को लेकर आज क्या कुछ ट्विटर की दुनिया में चला बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए ईटीवी नेटवर्क पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं देश और दुनिया की जो भारत से जुड़ी हुई है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का मुद्दा क्या उठाया, उसी दिन ये तय हो गया था कि पाकिस्तान और चीन का रिएक्शन आना है। लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित और पीओके में आज़ादी के वैसे ही नारे लगने लगे हैं जैसे कश्मीर में, पाकिस्तान में, पाले वाले में, कश्मीर में लगते हैं। इस आंदोलन की लपटें चीन तक भी पहुंच रही हैं जो दक्षिणी चीन सागर के मामले में पहले से ही दुनिया भर में अपनी फजीहत करवा चुका है। बलूचिस्तान के लोगों के लंदन में भी चीन की एम्बेसी के बाहर आज प्रदर्शन किया और वहां के संसाधनों की लूट के खिलाफ आवाज बुलंद की। साफ है कि जैसे को तैसा, नहले पे दहला वाली मोदी की विदेश नीति कुछ तात्कालिक परिणाम दिखा रही है, लेकिन क्या ये कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में लंबी दूरी तय कर सकती है? क्या दो पड़ोसी देशों के साथ एक साथ मोर्चा खोलना और देश को उबलते राष्ट्रवाद के मूड में बनाए रखना कोई खतरनाक खेल तो साबित नहीं होगा? इन सब सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा साहब, रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा साहब जुड़ेंगे कुछ ही देर में, और वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वैदिक साहब, पाकिस्तान को आप बहुत बेहतर से समझते हैं, पाकिस्तान की कई यात्राएं की हैं आपने। आज पाकिस्तान को जिस तरह से बलूचिस्तान में और वहां के आसपास गिलगित जैसे इलाकों में जो भारत के समर्थन में सुनने को मिल रहा है, क्या ये रिएक्शन स्वाभाविक था? ये बिल्कुल स्वाभाविक था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जबरदस्त पहल की है। इस पहल के लिए इंदिरा जी से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबको मैं कहता रहा हूँ कि ये पाक अधिकृत कश्मीर का मुद्दा हम उठाएं, बलूचिस्तान का मुद्दा उठाएं, जीए सिंध का मुद्दा उठाएं, और जब बादशाह खान थे तब भी मैंने लिखा भी था और कहा भी था कि पख्तूनिस्तान का मामला उठाएं। लेकिन सारे प्रधानमंत्री कभी कभी यूएन में भी और दूसरी जगह भी पख्तूनिस्तान का तो जिक्र कर देते थे, क्योंकि उस पर तो जन्म संग्रह भी हुआ था और बहुत आंदोलन चला था, लेकिन और प्रांतों के बारे में पाकिस्तान के हमेशा चुप रहते थे जी। और उनका तर्क ये होता था कि अगर हम पाकिस्तान के कब्जे के कश्मीर की बात कहीं उठाएंगे तो हमारे कश्मीर की बात अपने आप उठ जाएगी, हम क्यों फंसे उनके दांव में। लेकिन मेरा हमेशा मानना ये रहा है, पिछले 50 साल से ये बात मैं कह रहा हूँ, कि जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो वास्तव में गुलाम कश्मीर है जी। और वो कश्मीर के लोग, उस कश्मीर के कई प्रधानमंत्रियों से मेरी कई बार लंबी लंबी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि हम खुश नहीं हैं, उनका गला घुटा हुआ है। हमारे कश्मीर का तो खुला है, खुलेआम विरोध करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, बम फोड़ते हैं, हमारी संसद पे हमला करते हैं। लेकिन जिस तरह से वैदिक साहब, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को बाकायदा
जिस तरह से दुनिया भर में भेजा है भारत की स्ट्रेटजी के खिलाफ, राकेश सिन्हा साहब कितनी सफलता मानते हैं इसे आज के जो हालात है उसमें? जब लौट कर आएंगे तो पाकिस्तान के प्रशासन को बताएंगे कि बलूचिस्तान के बारे में पूरी दुनिया में कैसे आवाज़ उठ रही है। देखिए, बलूचिस्तान के बारे में ये बहुत ही निर्णायक कदम है भारत के प्रधानमंत्री का। कोई बलूचिस्तान के बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि में बता दूं कि बलूचिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान का अधिकार स्वीकार नहीं किया है। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। दिसंबर में, 12 से 15 दिसंबर में उसके फर्स्ट चैम्बर ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पास किया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने उस पर जबरन कब्जा किया। कलात ने तब भी स्वीकार नहीं किया और पहला जो रिवेलियन हुआ था उसका नेतृत्व कर रहे थे प्रिंस अब्दुल कालिम खान। उसके बाद 5 रिवेलियन हो चुका था। उसके बाद 1966 से यह ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन चल रहा था, लेकिन स्थिति तब बिगड़ी जब चीन अपने साम्राज्यवादी पंजों को बलूचिस्तान ले गया है। चीन जो नीति अपना रहा है मालूम है वो क्या है? किल एंड डंप, लोगों की हत्या करो और डंप कर दो। 2015 में 466 लोग डिसअपीयर हो गए हैं, उसमें 157 लोगों की लाशें मिली हैं और चाइना खुलकर वहां हत्या की राजनीति कर रहा है। चाइना और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों मिलकर बलूचिस्तान में जिस प्रकार से मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं, आज चीन भी सबके सामने इसलिए आ रहा। देखिए, $46 बिलियन का जो उनका प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट कोई आर्थिक प्रोजेक्ट नहीं है, वो भारत को घेरने का प्रोजेक्ट है जी। मैं कहता हूँ चीनी साम्राज्यवाद का वो एक पंजा है जो $46 बिलियन की सवारी करके आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात को उठाकर न सिर्फ मानवाधिकार का इश्यू उठाया है बल्कि चीन की उस बढ़ते हुए रथ को भी रोकने का काम किया जी। कमर आगा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कमर आगा साहब, एक तरफ चीन की चिंता, दूसरी तरफ पाकिस्तान से इस तरह के रिएक्शन और बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं, ऐसे में आज के हालात में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता के साथ साथ एक सतर्कता की भी जरूरत इस वक्त है जिस तरह से चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से मोर्चे खुल गए हैं? रहने की जरूरत है, इसलिए कि ये दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं और इनसे हम लोग शुरू से सतर्क रहे हैं हमारी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हमारी फोर्सेस जो है वो काफ़ी सक्षम है, अभी तक रोकने में इन लोगों को कामयाब रही हैं और हमें पूरा यकीन है कि वो काफ़ी इसमें सतर्क भी होंगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये दोनों देश वैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बिल्कुल अलग थलग हो गए। पाकिस्तान का के खिलाफ अफगानिस्तान भी है, फिर सेंट्रल एशिया के भी देश उससे खुश नहीं है, अब बांग्लादेश भी खुल के उसकी मुखालफत कर रहा है, फिर उसके अलावा जो सऊदी अरबिया या यूएई जो हमेशा इनके साथ खड़ा रहता था वो भी बहुत चिंता है, उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, वो भारत के साथ ज़्यादा डील कर रहे हैं। पर्शियन गल्फ के जो दूसरे देश हैं क्योंकि सऊदी अरबिया खुश नहीं है तो वो भी उनके कुवैत, बहरीन, कतर ये सब जितने हैं उनसे भी रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रह गए। तो दूसरी तरफ चाइना अगर आप देखें तो चाइना का भी यही हाल है, उसके जितने पड़ोसी देश हैं सब उससे नाराज़ हैं, साउथ चाइना सी को लेके, फिर दूसरी तरफ इंडिया है वो खिलाफ परेशान है उससे, फिर यही नहीं बल्कि ईस्ट चाइना सी में जापान भी उसके खिलाफ है, साउथ कोरिया भी उससे खुश नहीं है। तो ये दोनों देश बहुत इंटरनेशनली आइसोलेटेड हैं, लेकिन ये है कि दोनों, एक चाइना एक बड़ी ताकत है, हमारा पड़ोसी मुल्क है जी। और एक अच्छी बात ये भी है कि हम लोगों का लगातार चाइना के साथ डायलॉग जारी है और प्रधानमंत्री अभी जाने भी वाले हैं अगले महीने में, कुछ ही दिनों में वहाँ पे G20 समिट होगी जो वहाँ पे प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मिलेंगे, एक डायलॉग होगा उनका जी। लेकिन ये कि अभी जो स्टेटमेंट आया है वो बहुत खराब स्टेटमेंट है कि वो भारत का इंटरफेरेंस को मान रहा है जबकि भारत बलूचिस्तान में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा। इस स्ट्रेटजी आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री की भारत सरकार की देखने को मिलेगी, क्या इस पर कोई बात हुई है, क्या इसकी कोई तैयारी है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को कैसे रखा जाएगा? देखिए, बलूचिस्तान के प्रति भारत सरकार की एक लंबी नीति रही है लेकिन अब तक की नीति पैसिव नीति रही है, इसी कारण से बलूचिस्तान का आंदोलन खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसका नैतिक समर्थन भारत की जिम्मेदारी बनती है। बलूच एक राष्ट्रीयता है,
और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। बालोच और पाकिस्तानियों के बीच कोई संबंध नहीं है, जो उनकी भाषा है वो भी खुर्दिश से मिलती जुलती भाषा है, पाकिस्तान से मिलती जुलती भाषा नहीं, उनकी रहन सहन पोशाक सब चीज़ अलग है। तो वे एक अलग राष्ट्रीयता की बात करते हैं, पूरी दुनिया में राष्ट्रीयता के लिए लड़ रहे थे, अब तक उनको कोई आवाज़ नहीं मिल रही थी। भारत ने अंत में इसलिए आवाज़ दी कि मानवाधिकार के हनन की सीमा इस हद तक पार कर गई कि कराची की एक डॉक्टर महिला ने, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने पिछले साल अपने कैफे में सिर्फ बालोच के अधिकार की एक सेमिनार कराया, उनकी अगले दिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने हत्या कर दी। तो बालोच का नाम लेना भी वहां हत्या का कारण बन जाता है, चाहे आप सुन्नी ही क्यों नहीं हो, चाहे आप पाकिस्तान और कराची के रहने वाले क्यों ना हो। यह स्थिति जब पहुंच गई है, 2006 में नवाब अकबर बागुटी की हत्या कर दी गई। कैसे कर दी गई? बागुटी की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई। इस तरह की लगातार घटनाएं घट रही हैं। तो मानवाधिकार का हनन सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि बालूचिस्तान को कुछ थोड़ी सी अधिकार चाहिए, वो राष्ट्रीयता चाहिए, वो राष्ट्रीयता की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत का नैतिक समर्थन मिल रहा है, वो राष्ट्रीयता कैसे इमर्ज करेगी ये एक दूरगामी परिणाम होगा, किस प्रकार से करेगी, और मुझे लगता है भारत का समर्थन उसी राष्ट्रीयता के प्रति समर्थन है। जी वैदिक साहब, एक सवाल ये भी आज उठा गलियारों में राजनीति के कि एक वक्त था जब बीजेपी ने इसी बलूचिस्तान के मुद्दे का कहीं ना कहीं विरोध भी किया था, आज नरेंद्र मोदी एकदम अलग विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में पटाक्षेप करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल ठीक बात कही। नरेंद्र मोदी ने कभी पाकिस्तान को तोड़ने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ मानव अधिकार की बात कही है, एक हृदय की बात कही है, मार्मिकता की बात कही है। इसलिए नरेंद्र मोदी को या भारत पर ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है कि भारत किसी मुल्क के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है या तोड़ना चाहता है, सिर्फ सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। और देखिए, पूरा ये जो साउथ एशिया है ये हजारों वर्षों से एक परिवार की तरह रहा है। हम लोग अलग अलग मकानों में रहने लगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम एक परिवार नहीं हैं। हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को अफगानिस्तान में, ईरान में, तुर्कमेनिस्तान में, तिब्बत में कहीं कोई तकलीफ होगी तो भारत का प्रधानमंत्री चुप कैसे रह सकता है? वो तो बोलेगा ही। जब हमारे यहाँ कई घटनाएं होती हैं और पाकिस्तान के लोग बोलते हैं, कभी चीन बोलता है, कभी मालदीव के लोग बोलते हैं, कभी श्रीलंका के लोग बोलते हैं, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम किसी को तोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं। हाँ, हमारी बात से घबराहट फैल गई है, पसीने छूट गए हैं। और जो मियां नवाज शरीफ 22 लोगों को भेज रहे हैं, ये सब पुराने हथकंडे हैं। पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं किया, फौजी भेज दिए, युद्ध छेड़ दिया, दहशतगर्द भेज दिए, चीन की गुलामी कर ली, अमेरिका की गुलामी कर ली, सेबोटेज कर लिया, हमारे आतंकवादियों को आगे बढ़ा दिया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर पाकिस्तान इसी हिंसा और तशद्दुद के रास्ते पर चलता रहा तो हजार साल तक कश्मीर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि कश्मीर के हल के लिए जो बात सबसे पहले नरसिंह राव जी ने कही थी कि स्काई इज द लिमिट, आकाश तक निस्सीम है, असीम है संभावनाएं उसकी स्वायत्तता की, और जो अटल जी ने बाद में कही और बहुत अच्छे ढंग से कही कि इंसानियत के दायरे में इसको हल करें। लेकिन मोदी फिर फंस जाते हैं। जब इंसानियत के दायरे की बात हुई तो बीच में उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, हम संविधान के दायरे में हल करेंगे जी। अरे भाई, अभी तो लड़कों की समस्या है, वहाँ संविधान कहाँ से आ गया जी? हमको अपने बच्चों से बात करना है। जब आप सबकी चर्चा कर रहे हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त शर्मा शेख मामले में यशवंत सिन्हा ने क्या कहा था वो भी आपको याद होगा कमर आगा साहब, उस वक्त और आज की स्थितियों में क्या बदलाव आ गया है? देखिए, बहुत प्रोएक्टिव पॉलिसी है पाकिस्तान के प्रति। दो चीज थी, पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए पहले दिन से उनकी कोशिश यही थी कि किसी सूरत से पाकिस्तान से बातचीत शुरू की जाए। पाकिस्तान में वो चाहते थे कि जो उनका डेवलपमेंट एजेंडा है उसमें पाकिस्तान भी जुड़ जाए, दूसरे साउथ एशियन रीजन के साथ मिलके। हम लोग कनेक्टिविटी भी चाहते थे ताकि साउथ एशिया का पूरा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सेंट्रल एशिया से हो जाए और वो रास्ता पाकिस्तान होते हुए जाता है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिली। और आर्मी नहीं चाहती थी, आर्मी शुरू से उनके खिलाफ थी। जब वो भारत में प्रधानमंत्री मोदी के इनॉग्रल सेरेमनी में आए उस वक्त भी उनका अपोजिशन हुआ था, फिर यूफा में जब उन्होंने बात की या पेरिस में बात की तब भी आर्मी ने किया, और फिर उसके बाद पूरा नवाज शरीफ इतने कमज़ोर हो गए जिसकी कोई इंतहा नहीं, और उन्होंने पूरा आर्मी की तरफ सरेंडर कर दिया। उसके बाद से ये नीति हुई हमारी कि टिट फॉर टैट वाली, कि अगर आप हमें सख्ती करेंगे, अगर आप बॉर्डर
पे वायलेशन करते हैं, सीज फायर वायलेशन होता है, फायरिंग करते हैं, तो भारत भी उतना ही आपको उसी लेवल पे जवाब देगा। और उसके अलावा ये भी था, फिर जब कश्मीर से इनका पता चला कि कश्मीर के अंदर लगातार पठानकोट के बाद ये कोशिश कर रहे थे, उसके अलावा फिर ये बांग्लादेश में जिस तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथियों को सपोर्ट करके वो बंगला इमेरिट बनाने की बात कर रहे थे, जिसके अंदर के वेस्ट बंगाल और फिर उसके बाद आसाम की तरफ इनका एक प्लान नजर आया, उसके बाद से और सख्त हो गया है मोदी जी का जी। और लेकिन यह है कि उन्होंने साफ कहा है कि पहले बात आतंकवाद पे होगी, अगर पाकिस्तान आतंकवाद पे बात करेगा, आतंकवाद जब तक खत्म तो नहीं होगी। स्पष्टता आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी स्पष्टता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार रख पाती है, यही अपने आप में बड़ी चुनौती है, जिसका समाधान भी नरेंद्र मोदी को ही तलाशना है। हालांकि आज की तारीख में देश में जिस तरह से तारीफ हो रही है और दुनिया भर में जिस तरह से समर्थन मिलने की उम्मीद है, उम्मीद करते हैं ये समर्थन कायम करने में, हासिल करने में उन्हें सफलता मिले। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे। यहाँ और देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, मिलवाते हैं कचरा बाई से। नाम सुनकर ही आप जितने हैरान होंगे, लोग उन्हें देखकर उतनी ही हीन भावना दिखाते थे, लेकिन 35 साल की उम्र में 2.5 फीट हाइट वाली इस बेटी ने राजनीति में एमए की पढ़ाई की, अपनी कद काठी की परवाह किए बिना मुख्यमंत्री से मुख्य धारा में रहने की अपील की, मंत्री जी से बार बार गुहार लगाई और नतीजा ये हुआ कि सरकारी महकमे में बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर काम करने का मौका मिला। अक्सर सर्कस में लोगों का ध्यान खींचने वाले बौनों से अलग कचराबाई ने अस्तित्व की जंग लड़ी। हमारी कोशिश है कि बेटियों को लेकर देश की सोच बदले, प्रधानमंत्री की कोशिश भी रंग लाए। कचराबाई जैसी बेटियां देश को सम्मान दिलाने के लिए, देश में बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए जिस तरह की कोशिशें कर रही हैं, ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। इस बुलेटिन में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने घर पर हो, अपने फोन पर देख सकते हैं। साथ साथ ही प्रदेश 18 की वेबसाइट पर हमें अपने सुझाव देख सकते हैं, यूट्यूब पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। मुझे दीजिए इस वक्त अनुमति। नमस्कार।